हेलो फ्रेंड्स, ममाज किचन डायरी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है राखी चंदा, जो प्रोफेशनली एक आर्टिस्ट है, बहुत सारे एग्जीबिशंस भी कर चुकी है और आर्ट भी सिखाती है। साथ ही साथ वो अच्छा खाना भी बनाती है। आज वो हमें सिखाएंगी एक इंटरेस्टिंग डेजर्ट, तो चलिए सीखते हैं राखी चंदा के साथ। थैंक यू ममाज किचन डायरी मुझे इनवाइट करने के लिए अपने किचन में। मुझे ममाज किचन डायरी का वो ट्रेडिशन बहुत पसंद आया जिसमें वो पुराने रेसिपीज को अपने अगले जनरेशन के लिए दिखाना चाहती है, तो वैसे ही ट्रेडिशन को रखते हुए मैंने भी एक ऐसा रेसिपी लिया है आज जो मेरी नानी बनाया करती थी और ये सीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। मैंगो पुडिंग बहुत ही सिंपल सा रेसिपी है। अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करना और ममाज किचन डायरी को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल दबाना ना भूलना नोटिफिकेशंस के लिए। शुरू करते हैं पुडिंग बनाना। सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। सिंपल थोड़े से इंग्रेडिएंट्स में बनाना है। सबसे पहले लेना है एक टिन मिल्क मेड, मैंगो प्यूरी एक कप, 3 अंडे, 6 टेबलस्पून मैंने शक्कर लिया है कैरमल बनाने के लिए, और मैंगो एसेंस लिया है थोड़ा सा ताकि खुशबू और तेज हो, और ये मिल्क मेड को डाइल्यूट करना है। ये कंसेंट्रेटेड मिल्क मेड है जिससे कि 1 लीटर दूध बनता है, पर मैं इसको अभी डाइल्यूट करूंगी 1/2 लीटर पानी में और बनाऊंगी 1/2 लीटर गाढ़ा सा दूध। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि इसे पूरा ही ठंडा दूध, हल्के गर्म दूध में इसको बनाना है, दूध को मिक्स करना, मिल्क मेड को मिक्स करना है, पर इसको ठंडा करके उसमें अंडा मिलाना है, अदरवाइज अंडे कोएगुलेट हो जाएंगे और पुडिंग नहीं बनेगा। तो मैं ये 1/2 लीटर गाढ़ा सा दूध बना रही हूँ और इसमें शक्कर बिल्कुल नहीं मिलाना है क्योंकि ऑलरेडी मिल्क मेड में शक्कर मिला हुआ होता है, प्लस हमारे आम भी मीठे ही होते हैं, ये हापुस आम का प्यूरी है तो मीठा ही होगा। ये बन गया हमारा दूध। अभी इसे थोड़ा ठंडा करने के लिए, रूम टेम्परेचर में लाने के लिए पैन के नीचे रख देती हूँ। और अभी आगे का बनाते हैं। इसके लिए एक बाउल में ये 3 अंडे डालूंगी, और मैंगो प्यूरी अच्छे से व्हिस्क कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मिलाती हूँ 1/2 टीस्पून मैंगो एसेंस। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपका आम बहुत खुशबूदार है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अभी मेरा दूध ये रूम टेम्परेचर में आ गया है, इसे मैं अंडा और मैंगो प्यूरी के मिक्सचर में मिला लूंगी। धीरे धीरे मिलाना है और व्हिस्क करना है अच्छे से ताकि कोई भी लंप ना रहे। एज सच मैंने मैंगो को प्यूरी कर लिया है तो लंप रहने का चांस इतना है नहीं। पूरे 1/2 लीटर दूध को मैंने इसमें मिला दिया है। हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है, अभी बनाना है कैप। ये मैंने एक स्टीमर रखा है जिसपे मैं पुडिंग को स्टीम करूंगी फॉर 30 मिनट्स इन मीडियम फ्लेम। तो इसको मैं ऑन कर देती हूँ पहले ताकि पानी बॉईल हो जाए और स्टीम तैयार हो, और मैं बनाती हूँ कैरमल। कैरमल बनाने के लिए मैंने ये थिक बॉटम एक कढ़ाई ली है छोटी सी, उसमें 6 टेबलस्पून शुगर डालूंगी और 5 टेबलस्पून पानी। ये पानी बहुत ज़रूरी है असल में ताकि कैरमल जले ना, और
फ्लेम मैं इतना ही रखूंगी, मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा, और कंटिन्यूसली से खिलाती रहूंगी ताकि ये जल ना जाए। नूडल ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, गोल्डन हो रहा है, इसे और थोड़ा सा डार्क करते हैं कलर। फिर मैंने ये कटोरी रखी है जिसपे मैं पुडिंग बनाऊंगी, फ्लैट बॉटम है ताकि कैरमल इवनली प्लेस हो। मेरा कैरमल रेडी हो गया है, अभी मैं इसे इस कटोरी में डालूंगी और सेट होने के लिए दूंगी एक मिनट के लिए। बहुत ही परफेक्ट एकदम गोल्डन कलर बना है। अब मेरा ये कैरमल एकदम सेट हो गया है, अब धीरे से इस पे ये पुडिंग मिक्स मैं पोर करती हूँ। एल्युमिनियम फॉइल से अच्छे से ढक दूंगी। अब मैं इसे स्टीम करने के लिए दूंगी। अब मैं इसे मीडियम फ्लेम में स्टीम करूंगी फॉर 30 मिनट्स। थर्टी मिनट्स के बाद मैंने चेक किया था पर थोड़ा सा पकना रह गया था, तो मैंने और 10 मिनट्स रखा और अभी मैं चेक कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर हुआ है। एक ये छुरे बिल्कुल क्लीन आया है बाहर, साइड्स भी देख लेते हैं, यहाँ से भी बिल्कुल क्लीन आया है, मतलब ये अभी पक चुका है। अब हम इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे और रूम टेम्परेचर में आने के बाद इसे फ्रिज में सेट करेंगे ओवरनाइट। पुडिंग सेट हो गया है, मैंने ओवरनाइट इसे फ्रिज में रखा था। अब 5 to 6 hours सेट करोगे तो चलेगा। अब मैं इसे निकालूंगी प्लेट में, इसके लिए पहले ये थोड़ा सा इसको लूज कर लूंगी साइड से। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ, जिनके पास कॉन्डेंस्ड मिल्क नहीं है वो 1 liter फुल क्रीम मिल्क गाढ़ा करके उसे यूज़ कर सकते हैं ठंडा करने के बाद, और उसमें 4 tablespoons चीनी मिला सकते हैं। इसे कट करके देखते हैं, एक पीस निकाल के इसका टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। टेस्ट करके देखते हैं कैसा हुआ। वाह, यम।